हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक केमिस्ट्री ऑल। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो देखिए, सबसे पहले मूविंग बाउंड्री मेथड का प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखिए, इन दिस मेथड माइग्रेशन ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। देखिए, इस मेथड के अंदर क्या है गाइज कि जो माइग्रेशन है आयंस का किसी भी अप्लाइड पोटेंशियल के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है, एंड द स्पीड ऑफ द कैटायन एंड एनायंस आर डिटरमाइंड। और जो एनायंस और कैटायंस हैं उनकी स्पीड को डिटरमाइन किया जाता है। देन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप। तो देखिए, जब स्पीड और कैटायन की और एनायन की जब डिटरमाइन कर ली जाती है, तो उसका यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये हमने पहले भी देखा था, टीसी, अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालें कैटायन का, तो वो क्या हो जाएगा, यूसी अपॉन यूसी प्लस यूए, मींस कैटायन की स्पीड और कैटायन प्लस एनायन की स्पीड। ऐसे ही अगर टीए निकालें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो वो यूए अपॉन यूसी प्लस यूए हो जाएगा, जहाँ पर यूसी और यूए स्पीड हैं कैटायंस और एनायंस की। तो चलिए एपरेटस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, द एपरेटस यूज्ड इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, फिगर 14 के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब माउंटेड वर्टिकली एंड फिटेड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट बोथ एंड्स। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, और जो फिट है ये दोनों एंड से, वो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ और यहाँ ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से फिटेड है। टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एम ए, कोई एम ए टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो टू अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एम डैश ए और एम ए डैश ईच हैविंग एन आयन कॉमन विद एक्सपेरिमेंटल सोल्यूट एम ए आर सिलेक्टेड। तो देखिए, मान लो हमें किसी एम ए इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, तो उसके लिए हम दो और रेफरेंस लेंगे, एम डैश ए और एम ए डैश, तो दोनों के अंदर एक कॉमन होना चाहिए। जैसे एम डैश ए में ए कॉमन है और एम ए डैश में एम कॉमन है। तो यहाँ से देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस एम डैश ए एंड एम ए डैश एक्ट एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक्ट करेंगे एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो एम ए है वो एक्ट एज प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट। तो द सॉल्यूशन ऑफ एम ए इज प्लेस्ड बिटवीन द इंडिकेटर सॉल्यूशन टू फॉर्म शार्प बाउंड्रीज एट ए एंड बी एज शोन इन फिगर 14। तो देखिए, यहाँ ये जो आपका जो एम डैश ए और एम ए जो प्रिंसिपल है, तो उसको प्लेस किया गया है इन बिटवीन इंडिकेटर सॉल्यूशंस। देखिए, एम डैश ए और यहाँ है एम ए डैश, तो इसके बीच में क्या रखा गया है, एम ए इलेक्ट्रोलाइट को रखा गया है। द एनोड इज इंजेक्टेड इन द सॉल्यूशन एम डैश ए एंड कैथोड इन द सॉल्यूशन ऑफ एम ए डैश। तो देखिए, जो एनोड है वो एम डैश ए के अंदर रखी गई है, और जो कैथोड है वो एम ए डैश के अंदर इंजर्ट की गई है यहाँ पर, ये दोनों। तो देखिए, अगर एम ए हमारे पास के सी एल है, तो एम डैश ए एल आई सी एल हो सकता है और एम ए डैश सी एस थ्री सी ओ ओ के हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर एक एक आयन कॉमन है। तो द सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी डाउनवर्ड टू अवॉइड मिक्सिंग। तो जो सॉल्यूशन है वो प्लेस्ड करेंगे हम इंक्रीजिंग डेंसिटी डाउनवर्ड में, ताकि मिक्सिंग को अवॉइड किया जा सके। द ओरिजिनल बाउंड्रीज आर शोन एज ए एंड बी। इन केस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन द बाउंड्रीज कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। जो कलरलेस सॉल्यूशन अगर हम लेके चल रहे हैं, तो कलरलेस सॉल्यूशन के केस में जो बाउंड्रीज हैं वो सीन होंगी उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस डिफरेंस होने की वजह से। और शार्प बाउंड्री मेंटेन करने के लिए जो इंडिकेटर एम डैश है, उसकी जो स्पीड है वो लेस देन होनी चाहिए जो प्रिंसिपल एम है हमारा उससे। द स्पीड ऑफ ए डैश लेस होनी चाहिए किससे, ए से। मीन्स अगर हम एम ए टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो एम डैश ए और एम ए डैश में एम डैश की जो स्पीड है वो लेस होनी चाहिए एम से, और ए डैश की जो स्पीड है वो लेस होनी चाहिए ए से। अब बात करें तो यहाँ पर, इन दिस केस कंडीशन एम डैश आयंस डू नॉट ओवरटेक एम आयंस एट ए एंड ए डैश, इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, जो एम डैश आयन है वो एम को टेक ओवर नहीं करेंगे और ए डैश है वो ए को टेक ओवर नहीं करेंगे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द बाउंड्रीज ए मूव्स टू ए डैश व्हाइल बाउंड्रीज बी मूव्स टू बी डैश। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो जो बाउंड्री है ए वो मूव करेगी ए डैश को, और जो बी है वो बी डैश की तरफ।
तो अब देखिए 10 10 स्पीड ऑफ कैटायन यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी डिस्टेंस से, ए ए डैश की, और इसमें किसके बी बी डैश की, जो एनायन की स्पीड है वो। तो द ट्रांसपोर्ट नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एज टी सी ए ए डैश अपॉन ए ए डैश प्लस बी बी डैश, और टी ए की भी हम निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड, जिससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी आयंस का। तो यहाँ पर गाइज मूविंग बाउंड्री मेथड को हमने किया। उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये मेथड इजीली समझ आया होगा। अगर मैं आपको लेक्चर समझ आए तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।